मान को गल्ला काट को यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ को भाग को गई सब दिन फरार हुई को सास ससुर सब मिला को इसका क्या फैसला करती करना पुलिस यतीम है देखो कोई नहीं है सहारा तुम लोगों का सहारा पुलिस वाले उसके मर्द को जल्दी से जल्दी पकड़ना सजा देना रिक्वेस्ट कर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सुबह में 11:30 बजे हमारा भौनी हमारी बहन का गला काट कर यहाँ मोहन राज हॉस्पिटल में एडमिट करी उसकी मम्मी करके भाग गई और मेरे को 2 बजे मालूम पड़ने से मैं ढूंढते ढूंढते आया तो 5 बजे मेरे को यहाँ पर मालूम पड़ा। इसके बाद में उन भाग गया नहीं मिल रहा उसको जल्दी से जल्दी पकड़ कर सजा दे। हमारे साली साहब नसीमा बानू हमारा साड़ू उसको जो है ना गला काट के और उसकी माँ और हॉस्पिटल में एडमिट करके छोड़ को चले गई भाग के और पुलिस डिपार्टमेंट उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करना और उनके माँ और बाप दोनों का इंतकाल होगा। उनके पीछे कोई सहारा नहीं 3 बच्चे उनके हैं और उनका कोई सहारा नहीं है। जल्द से जल्द डिपार्टमेंट वाले जल्दी से जल्दी पकड़ के अरेस्ट। आज दुर्गा में एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला जो ससुराल वाले अपनी बहू का गला काट कर उनको हॉस्पिटल तक लाकर पहुंचाया गया। मोहन राज हॉस्पिटल एक लालगिरी रोड पर लगता है। तो डॉक्टर का कहना ये है जो पेशेंट है उनके जो सासू माँ है ओल्ड पेशेंट रहने की वजह से एडमिट कर लिया गया लेकिन एडमिट करने के बाद इमीडिएटली उनके साथ यहाँ से फरार हो जाते हैं और पेशेंट की हालत वो वक्त इतनी क्रिटिकल थी ब्लडिंग हो जाने की वजह से डॉक्टर इंसानियत के नाम से पहले पूरे जो भी ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट होते हैं ENT वगैरह को बुलाकर इमीडिएटली पहले ऑपरेशन किया गया। पहले तो मैं ऐसे डॉक्टर को सलूट करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना मजहब देखे ना रिलेटिव देखे ना कैश देखे सिर्फ पहले इंसानियत के नाते इनकी जान बचाई गई। तो मैं मोहन राज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं उनको मैं सलूट करना चाहती हूँ। इस तरीके से भी इंसानियत के डॉक्टर आज भी हमारे पास मौजूद है इसीलिए आज एक की जान बच गई है उनका शुक्र अदा करती हूँ। जो ये जिसका गला काट के लाया गया है पेशेंट का नाम नसीमा बेगम बताया जा रहा है। उनके 3 बच्चे हैं एक 6 महीने की लड़की है और एक 5 साल के और एक 8 साल के। उनके हस्बैंड और उनके बच्चे उनके ससुराल वाले पूरे टोटली गायब हो गए हैं। तो उनको मैं महिला पुलिस स्टेशन के सर्कल से गुजारिश करती हूँ आप इमीडिएटली उनको ढूंढ कर उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उन्हें इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल मामला है। अगर आज हम लोग लाइट लेंगे तो आए दिन आइए हादसे गुलबर्गा में देखने को मिलेंगे। बस मैं फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ ये हादसे ना हो इसको रोकने के लिए पुलिस वालों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक पुलिस वाले इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे ये हादसे बढ़ते जाएंगे। कैच कीजिए ऑफर पाइए जी हाँ एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाओ कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए ये ऑफर लिमिटेड है एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघ मारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जन डॉक्टर शाने करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बागमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सका प्रोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।